डन। आप कर दो ना, डोर डोर नहीं आ रहा, दीवार आ रही है सर, दिखे नहीं रहा, इतना कैमरा तो नहीं है ना अपना। हाँ अनुभव, अनुभूति भूल जा भूल जा। क्या वी आर लाइव नाउ। हाय, हेलो, हाय एवरीबॉडी। हेलो, हाय गाइस, हाउ आर हेलो, यू ऑल? हाय, हेलो एवरीवन। ओवर टू बिपिन जी। बिपिन जी, शुरू करें जी आप। सर, जी सर, जी। हेलो एवरीबॉडी, आप सबका मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं पर पीएलजी ग्लोबल लिटरेचर फेस्टिवल के साथ और पोएटिक आत्मा के साथ फिर से हम जुड़ रहे। हमारे सबके लिए एक ये सौभाग्य की बात है और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं, आप सबका, और जो ये लोग हैं मतलब के ग्लोबल लिटरेचर फेस्टिवल आत्मा, ये सबको मैं बहुत बहुत। तो आज का जो ये कार्यक्रम है वो अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ और फिर कुछ देर के बाद, 5 मिनट के बाद मैं मेरी औकात पर आ जाऊंगा। तो समझना कम नहीं हमको बदन, समझना कम नहीं हमको, बदन में जान बाकी है, इमारत खंडहर है लेकिन पुरानी शान बाकी है। तो क्या इसी बात साथ है, में क्या बात है, क्या हाँ, बात है। तो अभी मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। तो जब मैंने तुफिल भाई का फोन रिसीव किया तो तुफिल भाई ने बोला कि सर आपको आज होस्ट बनने का है। तो मैं बोला क्यों, मेरा संचालन इतना थोड़ी अच्छा है। तो बोलते हैं कि जो लोग को संचालन घर में करने का मौका नहीं मिलता है उसको हम पीएलजी में मौका देते हैं। तो मैं बोला ठीक है चलो, वाह तो वाह आज ये वाह, एक्सेप्ट कर लेते हैं। पंचरत्न तो आज के हमारे ये कार्यक्रम में पंचरत्न है। तो पंचरत्न इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो ये हमारे पांचों जो पार्टिसिपेंट है वो अंदाज से कुछ अलग है, कुछ उसका बोलना अलग है, मतलब उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो अलग है। तो मेरे ख्याल से आज की ये महफिल बहुत ही अच्छी जाएगी। और अभी मैं जो हमारा जो पहला पार्टिसिपेंट हूं, तो ये जो कवि है वो एक्चुअली वो भावना प्रधान कविताएं लिखता है। आज उनका एक वो और भी हमको रूप देखना पड़ेगा क्योंकि आज का वो सब्जेक्ट है वो हमारा वो हास्य कविता है। तो हास्य कविताओं में भी उनकी जो मास्टरी है वो हमको आज देखने के लिए मिलेगी, इसलिए कि ये कविता के कोई एक पर्टिकुलर, तो ये कवि ऐसा है कि वो विविध सब्जेक्ट पर भी लिख सकता है। लेकिन किसी भी भविष्य में जो कुछ भी वो लिखेगा वो भी एक ये फूलों की तरह उसको सहलाते हैं और मोजों की तरह उसको बहलाते हैं। और ये बहुत ही वाह क्या अच्छी आवाज के मालिक, और बात। ये बहुत ही अच्छी आवाज के मालिक, इनके जलवा अभी वो बिखरने वाले हैं। तो मैं हार्दिक स्वागत करता हूं हमारा पहला कवि श्री प्रवीण सिंह, जोरदार तालियों से मैं उसका स्वागत करता हूं, प्रवीण वाह सिंह वाह का। वाह, वेलकम प्रवीण साहब, वेलकम। धन्यवाद विपिन जी, थैंक्स फॉर सच अ ग्रेट इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों जैसे उन्होंने बताया, मेरा नाम प्रवीण है, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। और इसके पहले कि मैं अपनी कविता पेश करूँ, मैं पीएलजी को, जो हमारा पैरेंट ग्रुप है जहाँ हम बड़े हुए हैं एज अ कवि, और पोएटिक आत्मा को काफी आभार देता हूँ। आई थिंक आपने ये बहुत अच्छा काम किया है ग्लोबल मंच बना के इस टाइम में। जैसे एक बोलते ना कि आप रेगिस्तान में प्याऊ लगा दिया, आदमी सब कुछ भूल जाता है कुछ देर के लिए। सो थैंक्स फॉर गिविंग सच एन अपॉर्चुनिटी।
तो दोस्तों मैं अपनी कविता पे आता हूँ। एक्चुअली मेरी कविता जो है जितने सुनने वाले हैं उन सबको डेडिकेटेड है, क्योंकि इस कविता का शीर्षक ही है श्रोता। होता यह है अमूमन कि कवि कविता सुनाता है और एक श्रोता बैठ के सुनता है, पर यहाँ पहली बार है कि श्रोता कविता सुनाने जा रहा है और कवि सुनने वाला है। अब आप पूछेंगे श्रोता कहाँ से आया, तो दोस्तों हम सबके अंदर एक श्रोता भी होता है, राइट। हम सब एक श्रोता भी हैं और एक कवि भी हैं। श्रोता तो पहले बन गए, कवि तो बाद में बने। तो जो श्रोता झेलता है, जो उसके उसपे गुजरती है, जब वो एक लंबे सेशन में बैठता है, वो अपनी पीड़ा को बता रहा है मेरे अंदर एक कवि को बहुत प्यार से। तो मैं कविता शुरू करता हूँ कि बेटा प्रवीण बात बात पे ना उछल जाया करो, बेटा प्रवीण बात बात पे ना उछल जाया करो। अगर बड़ा कवि बनना है तो थोड़ा सब्र दिखाया करो। हर कविता को श्रोता के हिसाब से पढ़ने जाया करो, हर कविता को श्रोता के हिसाब से पढ़ने जाया करो। अरे उसे कितनी बोरियत होगी इस बात का भी अंदाजा लगाया करो, क्योंकि हम लोग खींचते जाते हैं, कवियों को आदत बात को खींचने की। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं, एज अ कवि सोचते हैं, तो तेरी थोड़ी सी नेकी से उसका दिल खुश हो जाएगा, तेरी थोड़ी सी नेकी से श्रोता का दिल खुश हो जाएगा। अरे वो बेचारा तुम्हें मंच पे देख के तो ना घबराएगा। छोटी छोटी बातों का ना बतंगड़ बनाया करो। जो दो लाइन में बात कहने वाली है उसके लिए पोथी मत पढ़ाया करो। वाह वाह वाह, सही बात है। क्योंकि वाह वाह, बहुत अच्छे, धन्यवाद। क्योंकि ये श्रोता जो होते हैं, ये श्रोता ही तुम्हें कवि बनाते हैं। अभी जो महफिल चल रही है, इसमें अगर श्रोता ना जुड़े तो हम कवि किस बात के। जो श्रोता हमें सुन रहे हैं उनके कारण हम कवि हैं। तो ये श्रोता ही तुम्हें कवि बनाते हैं, ये श्रोता ही तुम्हें कवि बनाते हैं। बात पसंद आए ना आए, खूब ताली बजाते हैं। जहां लाइन खत्म होती है तालियां शुरू हो जाती हैं। ये श्रोता ही तुम्हें कवि बनाते हैं, बात पसंद आए ना आए, खूब ताली बजाते हैं कवि। अब तालियां बजने लगी हैं तो जो कवि है वो ये सोचकर फूले जाते हैं कि सब समझ में आ रहा है। मैं जो भी बोल रहा हूँ सब समझ में आ रहा है। कवि ये सोचकर फूले जाते हैं कि सब समझ में आ रहा है, और वो बाजू वाले से कह रहा होता है पता नहीं क्या मगज खा रहा है। दोस्तों बम्बैया भाषा में दिमाग को मगज कहते हैं। विनीत भाई समझ गए होंगे कि बम्बैया भाषा में दिमाग को मगज कहते हैं। तो कवि ये सोचकर फूले जाते हैं कि सब समझ में आ रहा है, और वो बाजू वाले से कह रहा होता है पता नहीं क्या मगज खा रहा है। वो इसलिए ताली नहीं बजाता है, वो इसलिए ताली नहीं बजाता है कि सब समझ में आ रहा है, बल्कि इसलिए कि 15 मिनट बाद ही सही, साला अब तो जा रहा है। वो इसलिए ताली नहीं बजाता कि सब समझ में आ रहा है, बल्कि इसलिए कि 15 मिनट बाद ही सही, साला अब तो जा रहा है। और दोस्तों अब आती है इस कविता की पंच लाइन। वो श्रोता आपको सबसे झेले जा रहा है, तालियां बजा रहा है, आपको प्रोत्साहित कर रहा है कि भाई चलो बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, भले समझ में आए नहीं आए, पर उस श्रोता की उसे तब उसे भी गुस्सा आता है। कब आता है? पर उस श्रोता की भी तब सुलग पड़ती है, पर उस श्रोता की भी तब सुलग पड़ती है जब कवि मन से कहता है इस बात की तो ताली बनती है। क्या बात है, थैंक यू। सही बात है। उस श्रोता की भी तब सुलग पड़ती है जब कवि मन से कहता है कि इस बात पे ताली बनती है। अब वो ये सोचकर है भन्ना जाता, जो श्रोता बैठा है वो ये सोचकर है भन्ना जाता कि मेरी थोड़ी भी समझ में आता तो क्या मैं ताली नहीं बजाता। वो ये सोचकर है भन्ना जाता कि मेरी थोड़ी भी समझ में आता तो क्या मैं ताली नहीं बजाता। तो भाई भाई मेरे कभी कभी उन श्रोताओं पे भी, कभी कभी उन श्रोताओं पर भी रहम फरमा दिया करो, कभी कभी उन श्रोताओं पे भी रहम फरमाया करो, और अपनी कुछ कविताओं को ना कूड़े में फेंक के आया करो। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। वो कहते हैं ना, वो क्या श्रोता जो ना सोता। सही कह रहे भाई, या तो वो सो रहा है या गालियां दे रहा है। जी। नहीं, यहाँ सब जाग रहे हैं, सब जाग रहे हैं और आपको सुन रहे हैं, और आप बहुत बढ़िया व्यंग सुना रहे हैं। जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप सोचा जागे, हम तो सुनाएंगे पूरा।
हमारा गाना सुनाना भाई, शायर होता ही ओके, ऐसा बहुत है। बहुत 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 ही आपने अच्छा, बहुत ही नहीं, बहुत ही आपने अच्छा प्रेजेंट किया है, बहुत ही खूबसूरत आपकी जो रजूआत थी, वो प्रेजेंटेशन था, वो बहुत ही अच्छा था। विपिन जी की बात से मुझे एक बात याद आ गई, मैं बस 1 मिनट में सुना दूं कि एक बार एक आदमी बहुत तेजी से सड़क पे भाग रहा था और उसके पीछे एक और आदमी भाग रहा था, तो लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, आगे वाला तो निकल गया, पीछे वाले को लोगों ने पकड़ लिया। बोले ये क्या लफड़ा है? बोला साहब लफड़ा कुछ भी नहीं है, उसने अपनी कविता सुना दी है और मेरी कविता नहीं सुन रहा मेरी बारी में भाग तो फिर रहा भाई इस लाइन से ये कविता शुरू हुई है। आप ये जो लाइन बोले ना, ये आपने एनुअल इवेंट में बोला था तब ये ध्यान में आई थी। अच्छा एक मिनट लेता हूँ मैं तो आपको बताता हूँ कविता शुरू, मतलब जो कविता है इसकी जो लास्ट 2 लाइनें हैं वो बहुत दिन से मेरे घर में चल रही है, क्योंकि हमारे घर की स्थिति थोड़ी विकट है। जो मैं कविता लिखता जी। हूँ वो मैं लिखता हूँ मतलब ग्राउंड जीरो से लेके फर्स्ट आसमान के बीच में, मैं फर्स्ट आसमान के बीच में, और जो श्रीमती जी लिखती है वो होता है 6वें से 8वें के बीच में। तो जब भी हम कविता एक दूसरे को सुनाते हैं तो हमेशा यही आता है कि यार खास नहीं है, मतलब सुन मजा नहीं आ रहा है मतलब। तो जो लास्ट की 2 लाइनें हम एक दूसरे को बार बार बोलते रहते हैं। एक दिन हमारी बीवी ने हमको चैलेंज मार दिया कि भाई ये जो तुम लाइनें बोलते हो ना बार बार, इसी पे कविता लिख के दिखाओ हमको। और हम ठहरे भाई जी पीएल जी जी के जी चेले, तो हमको हम लिख के दिखाएंगे। तो बस वहीं से कविता बनी है सर जी 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 बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। राइट राइट, थैंक यू गाइस। अभी इधर से वो कट होके आती है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है आवाज में, ओ ओके किसकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है मुझे। नहीं आवाज में नहीं ठीक साहब, है, आप बोलिए, आप बोले बोले। ठीक है। अच्छा तो देखिए, अब अभी मैं जरा थोड़ा सा मैं अपने अंदाज में मैं आ जाता हूं। बहनों और भाइयों, ओमान के संगीत प्रेमियों के दिल में बसती हुई एक सुमधुर आवाज का नाम है विनीत पंडित। विनीत पंडित बहुत ही अच्छे गायक है और लिखता भी बहुत अच्छा है। उनकी गजलें जो है वो कुतुब मीनार की ऊंचाई की है और ताजमहल की खूबसूरती की होती है। क्या जब बात भी है, लोग क्या कहते बात है। हैं कि आज कोई महफिल या मुशायरा है, और अगर विनीत भाई उधर नहीं है तो वो मुशायरा पर ही रह जाती है। तो ऐसी सुमधुर आवाज के साथ और इतना ये कविता के ऊपर जो उसका कमांड है, वो ये सब देखने के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि विनीत जी एक ओमान के एक बहुत ही अच्छे सिंगर है और ओमान की संगीत प्रेमियों के दिल में उसका स्थान है, उसकी आवाज बस रही है ओमान में। अगर करके मैं बोलूं तो मैं आपको ये बता सकता हूं बहनों और भाइयों कि ओमान के संगीत प्रेमियों के दिल में विनीत भाई का एक उच्च स्तर स्थान है। और तो मैं जालियों के साथ विनीत भाई को मैं बुलाने जा रहा हूं कि विनीत भाई अब आप आइए और आपका भी जलवा दिखाइए। विनीत भाई, एक आपकी जो कविता है वो शुरू करने से, और मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप कोई भी गजल की एक अच्छी सी हमको लाइन सुना दे विनीत भाई, तो दिल खुश हो जाएगा। जो मैंने बोला वो सबको मालूम हो जाएगा कि भाई की आवाज सब संगीत प्रेमियों के दिल में हमेशा जिंदा है। प्लीज एक लाइन कोई भी गजल। अरे वाह, ये तो हास अमीन सा अमीन से आनी तो सीरियस हुआ करता था, ये हास कब से हो गया अमीन से आनी वही मैंने कहा कि आज तो बहुत बड़े बड़े अमीन से आनी अमीन लोग से आनी एंटर का हो रहे हैं। पुनर्जन्म हुआ है हास हास बनकर। जी, हास हाँ वर्जन वही 2.0। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच पीएलजी ग्रुप और साथ में पोएटिक आत्मा ग्रुप, जो मुझे इस मंच पे फिर से एक स्थान दिया आपने। और जैसा विपिन साहब ने कहा कि एक लाइन में सुना देता हूँ गजल की, उसके बाद आते हैं हास्य के ऊपर। जी जी दिलों के रेते बहुत ही अजीब होते हैं, दिलों के रेते बहुत ही अजीब होते हैं, के जितनी दूर
जितनी दूर हो दिल के करीब होते हैं वाह दिलों वाह वाह, के रिश्ते क्या बहुत बात है। ही अजीब होते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा वेलकम बहुत वेलकम, अच्छा बहुत बहुत अच्छा सो विनीत भाई, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। थैंक यू। ओके तो अब जो मैं पहली छोटी सी कविता सुना रहा हूँ, इस कविता का शीर्षक है लॉकडाउन। दोस्तों जैसा हम सभी को पता है, लॉकडाउन है, घरों में सब बंद हैं, हमारी लेडीज भी सब घरों में हैं और उनके ऊपर बड़ा प्रेशर है घर के काम करने में, और घर का सारा काम वो कर ही रहे हैं, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, आपका खाना बनाना। तो ये जो कविता है ये उनके दर्द को बयां करती है और उनका मुझे नारी शक्ति को सलाम है मेरी तरफ से, और उस दर्द को मैं इस कविता के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो विनीत मुझे भाई, उम्मीद है आज तो कि हास की बात हो रही थी, ये दर्द की बात कैसे करने लगे आप? सुफेल साहब वो कहता है ना कि जब दर्द की इंतहा होती है, जब दर्द की हाँ, इंतहा हो जाती है, ओठों पे हंसी खिल जाती है। जब दर्द की वाह वाह इंतहा वाह हो वाह, क्या जाती बात है, है, क्या बात है, ओठों पे क्या हंसी खिल बात जाती है। है, तो हमें वो इसी हंसते खेलते और दर्द को सहते हुए इस लॉकडाउन को पार करना है। तो देखिए आपको मजा आएगा। तो शीर्षक है लॉकडाउन। कल हमने अपने दोस्त को वीडियो कॉल लगाया, कल हमने अपने दोस्त को वीडियो कॉल लगाया, दोस्त की हालत देखकर बहुत तरस आया, दिल बड़ा घबराया। दोस्त की हालत देखकर बहुत तरस आया, दिल बड़ा घबराया। सिर पर चोट के निशान पट्टियां नजर आ रही थी, सिर पर चोट के निशान पट्टियां नजर आ रही थी, उनकी आवाज भी धीरे धीरे लड़खड़ा रही थी। मैंने पूछा प्यारे लाल, मैंने पूछा प्यारे लाल, ये क्या बना रखा है हाल, ये टूटे फूटे से कैसे नजर आ रहे हो, किसने मारा, कहां से पढ़ के आ रहे हो। मैंने पूछा प्यारे लाल, ये क्या बना रखा है हाल, ये टूटे फूटे से कैसे नजर आ रहे हो, किसने मारा, कहां से पट के चले आ रहे हो। वो बोला चिड़िया चहचहा रही थी, बीवी बर्तन मांज रही थी। चिड़िया चहचहा रही थी, बीवी बर्तन मांज रही थी। मैंने कहा बीवी बर्तन मांज रही थी, तो उसे देखकर कहीं आपकी हंसी तो नहीं आ रही थी, तो उसे देखकर कहीं आपको हंसी तो नहीं आ रही थी। वो बोला भाई साहब वो बीवी नहीं है, बवाल है। भाई साहब वो बीवी नहीं है, वो बवाल है। शेरनी के आगे बकरा मुस्कुराए, बकरे की क्या मजाल है। शेरनी के आगे बकरा मुस्कुराए, बकरे की क्या बढ़िया मजाल बढ़िया, है। मैंने कहा भाई मुद्दे पे आइए, असली बात बताइए। मैंने कहा भाई मुद्दे पे आइए, असली बात बताइए। अब वो बोला बीवी बर्तन मांज रही थी, गुर्रा रही थी, बड़बड़ा रही थी, न जाने वो शुभ घड़ी कब आएगी, लॉकडाउन खुलेगा बर्तन वाली वापस आएगी। वो बोला बीवी बर्तन मांज रही थी, गुर्रा रही थी, बड़बड़ा रही थी, न जाने वो शुभ घड़ी कब आएगी, लॉकडाउन खुलेगा बर्तन वाली वापस आएगी। मेरी बर्तन मांजते मांजते जान निकली जा रही है, मुझे बर्तन वाली की बहुत याद आ रही है। बस पंडित जी यही गलती से मिस्टेक हो गई, बस पंडित जी यही गलती से मिस्टेक हो गई, और मेरी ये कम्बख्त जुबान फिस गई। मैंने कहा तुम्हारी क्या मेरी भी जान निकली जा रही है, बर्तन वाली की मुझे भी बहुत याद आ रही है। वो बोला मैंने कहा बस पंडित जी यही गलती से मिस्टेक हो गई और मेरी एक कम्बख्त जुबान फिसल गई। मैंने कहा तुम्हारी क्या मेरी भी जान निकली जा रही है, बर्तन वाली की तो मुझे भी बहुत याद आ रही है। उसके बाद धरती गर्जी आसमान थर्राया, बीवी ने मुझ पर अपना प्यार दिखलाया। वो ये जो आप निशान देख रहे हैं उसी प्यार की निशानी है, हम उसके दिल के राजा हैं, वो हमारे दिल की रानी है। थैंक यू वेरी मच। वाह वाह, वाह बहुत वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अच्छे, बहुत कपिल अच्छे, बहुत अच्छे। भाई वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। एंड हेलो टू एवरीवन। सॉरी मैं बहुत लेट हो गया, मेरा नेटवर्क उड़ा पड़ा था यहाँ पे। ओके नो प्रॉब्लम। विनीत भाई ओके अब कैरी ऑन, जी, वेलकम। अब एक दूसरी छोटी सी कविता है दोस्तों। ये कविता इसका शीर्षक है फेसबुक महाराज की आरती। फेसबुक महाराज की आरती, तो इसके आई होप आप एंजॉय करेंगे।
फेसबुक महाराज, ओ बब्बा फेसबुक महाराज, सुबह शाम तो है देखें, सुबह शाम तो है देखें, छोड़ के बारे का, जय हो फेसबुक महाराज, फेसबुक महाराज, ओ लल्ला फेसबुक महाराज, धुनी रमाए धुनी रमाए, हम छोड़ के सारे काज, जय हो फेसबुक महाराज। अब तो बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया। वाह वाह, बहुत अच्छा। तो शुरुआत होती है दिन की, बहुत बढ़िया। तो शुरुआत होती है फिर सुबह फेसबुक से ही होती है। तो अर्ज किया है तुफैल साहब, तुम हो त्रिफला चूर्ण हमारे, तुम हो कायम चूर्ण, ओ लल्ला तुम हो कायम चूर्ण, कुलाला तुम हो कायम चूर्ण, जब तक तुम्हें न खाए, जब तक तुम्हें न खाए, कार्य न होता पूर्ण, ओ जय हो फेसबुक। बहुत बढ़िया, सुपर सुपर, बहुत अच्छे। दूसरा जो बंद है दोस्तों, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो कहीं से भी इधर उधर से पोस्ट लेते हैं और चेप देते हैं, तो इधर उधर से उड़ाकर, इधर उधर से उड़ाकर फेसबुक पर डाल, ओ कैसा फेसबुक पर डाल, फोकट हीरो बन जा, फोकट हीरो बन जा, उड़ा के मुफ्त कमाल, जय हो फेसबुक महाराज। और दोस्तों बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर। अब जो नेक्स्ट जो बंद है वो आप देखिए, जो प्रोफाइल प्रोफाइल कुछ और ही रहते हैं, जी, फरमाइए, उनके ऊपर है कटरीना की फोटो। अब आप शब्दों पे गौर करिए, फोटो फोटो नहीं है, फोटो। कटरीना की फोटो, कटरीना की फोटो, अपनी प्रोफाइल में डाल, बबुआ अपनी प्रोफाइल में डाल, लाखो बुढ़े कुवारे होंगे तुझ पे निहाल, ओ जय हो फेसबुक महाराज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विनीत भाई, जबरदस्त है, जबरदस्त। बहुत ही बढ़िया, है बच्चे चिल्लाते, ओ तेरे बच्चे चिल्लाते, सब्जी दूध न लाते, सब्जी दूध न लाते, दिन भर चटियाते, दिन भर चटी चटी चटी, दिन भर चटियाते, सुंदर फूटू वाली कन्या। अब आप पे बहुत गौर कीजिए, सुंदर फोटो वाली कन्या, कुछ भी पोस्ट करे, चाहे बंडल पोस्ट करे, समझ आए या न आए, समझ आए या न आए, करे लाइक बड़े बड़े, करे लाइक बड़े बड़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये बंद देखिए, आपको आप सब दोस्तों के नाम पे है, एक बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक है, कंजूस दोस्त मेरे, मक्खी चूस है दोस्त मेरे, कमेंट्स लाइक करने में, कमेंट्स लाइक करने में, सबकी नानी मरे, जय हो फेसबुक महाराज। बहुत बढ़िया, सुपर। इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन, जब जब उड़ जाता, ओ पपलू जब जब उड़ जाता, जैसे जल बिन तड़पे मछली, जल बिन तड़पे मछली, हमको तड़पाता, जय हो फेसबुक महाराज। और दोस्तों नेट पे नहीं आता, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कुछ उनका उद्देश्य होता है फेसबुक पर, तो उन लोगों को समर्पित है ये दो लाइनें। सोलह की या साठ साल की, सोलह की हो या साठ साल की, सब पे चांस तुम्हार, ओ बच्चू सब पे चांस तुम्हार, कटरीना ऐश्वर्या, कटरीना ऐश्वर्या,
हो चाहे ललिता पवार, जय हो फेसबुक महाराष्ट्र। और ये इस लास्ट लास्ट दो लाइन है, फेसबुक जी की आरती, फेसबुक जी की आरती, जो कोई नर गावे प्यारे प्रेम सहित गावे, घटिया बंडल पोस्ट पे, घटिया बंडल पोस्ट पे लाइक वो पाए, और जय हो फेसबुक मारा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छे विनीत भाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी हाँ दोस्तों, तो आपने अभी विनीत भाई को सुना। यस, अच्छा विनीत भाई, आपका बहुत बहुत मतलब धन्यवाद, बहुत आपने अच्छा गाया है, ये तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन वो भी इतनी बहुत खूबसूरत थी एक आई मीन लाइन में हमको, तो आपने बहुत ही मतलब कि जो आज का टाइटल है हमारी हसीन है उसको आप यथार्थ किया है, और आप आपकी ये जो प्रेजेंटेशन है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी जब मतलब कि आप तो सिंगर है, तो अगर घर में जब दोनों सिंगर है तो क्या होता है? तो अगर दोनों अगर हस्बैंड वाइफ सिंगर होते हैं तो मुश्किल ये होती है कि कभी आमने सामने सवाल जवाब भी संगीत में ही हो जाता है। तो जब एक आदमी इधर ओमान से 2 साल के बाद इंडिया गए, उसकी मिस रिसीव करने के लिए आई, तो देखा प्लेन से उतर के भाई ये क्या होता है कि मतलब कि किधर है मेरी मिसिस, तो उसके सामने देखा तो मिसिस के हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। तो वो बच्चा देखकर वो आदमी बाजू में आया और पूछा कि अरे ये छोटा सा बच्चा किसका है? तो बोलता है कि ये हमारा बच्चा है। लेकिन वो आदमी ने मन में सोचने लगा कि मैं तो 2 साल के बाद ओमान से आ रहा हूं और ये तो, लेकिन संगीत में ही पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। तो उसकी मिसेस ने कुछ जवाब नहीं दिया, उसने भी सामने गाने मुझे कोई गया था, मुझे कोई मिल गया था, अरे रा चलते चलते, अरे रा चलते चलते। तो अगर जब दोनों दोनों गाने गाते हैं तो आमने सामने बात भी ऐसे संगीत में हो जाती है। अच्छा चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ में एक बहुत ही अच्छे कवि है मेरे पास, मतलब कि अभी जो मैं जा रहा हूँ तो फिर से मैं मेरी वो स्टाइल में थोड़ा सा आ जाता हूँ। बहनों और भाइयों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, आपने ये सब कवियों को सुना है, तालियों से उसको नवाजा है। तो ये बार बार मैं आपको यही कहूंगा कि जब भी कोई खूबसूरत रचना आपके सामने आई है तो आने वाले कवियों को भी आप तालियों से बधाई देंगे। अभी आज देखिए कि मेरे सामने एक 5 फीट 9 इंच ऊंचाई वाला खूबसूरत चेहरा है, वो जबरदस्त शख्सियत है और वो कविता भी लिखते हैं और मन मोह लेने वाली, जैसे समझो कि कोई आरजे की आवाज हो, सुंदर आवाज के मालिक, बहुत ही अच्छे सूत्रधार है, उसको गाने का भी बहुत शौक है। मैं तो कहूंगा कि अगर ये ओमान में नहीं होता तो होता। तो ऐसा खूबसूरत चेहरा और ऐसे सब जो विविध प्रकार के उसके पास जो आर्ट है, वो सूत्रधार की आर्ट है, गाने गाने की आर्ट है, गाना लिखने की आर्ट है, इसको कंपेयरिंग की जो उस पर आर्ट है, वो सब में मैं ये कि ऐसा अच्छा मल्टी टैलेंटेड है और ऐसे मतलब कि जो इस तरह से किस ढंग से पेश कर रहे हैं, हर बार मैं उसके जो देखता हूं तो उसके जो ढंग है, उसका पेश करने का जो तरीका है, वो अलग अलग स्टाइल, जो आवाज हर एक के दिल में बस जाती है, एक बार सुनने के बाद लगता है कि चलो बार बार हम वो आवाज सुनते ही जाइए। ऐसा वो 5 फीट 9 इंच ऊंचाई वाला वो खूबसूरत चेहरे को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ, और वो आप समझ ही गए होंगे कि वो और कोई नहीं है लेकिन वो है कपिल। स्वागत करता हूँ कपिल नायर साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल नायर साहब, दिल से मन कर रहा है मैं सभी आगे बैठूं, एक महफिल सी जमे, सामने कुछ ग्लास और गोष्ठी बैठे,
पर ये आजकल के वो न्यू नॉर्मल में ये चीज भी जो भी हो रही है ना, ये भी बहुत ही बढ़िया लग रही है, मजा सा आ रहा है इसमें, क्योंकि ना इसकी बात ही कुछ और है। आने वाले जमाने हमें याद रहेगा कि हमने इस जमाने में ऐसा कुछ किया था, क्योंकि बिल्कुल इसी के लिए तो बिल्कुल, लोग टाइम तो नहीं निकाल पा रहे हिस्ट्री इन द ऑनलाइन। मेकिंग है ये। हिस्ट्री में मेकिंग से बहुत कमाल की चल रही है। हिस्ट्री में कह रहा हूँ, हमें सब पॉजिटिव लेकर चलना चाहिए इस हिस्ट्री के साथ में, कि हाँ हमने क्या क्या अलग चीजें करी, कैसे अपने आप को अडेप्ट किया, क्या क्या बदलाव लाए। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे पिछले प्रोग्राम में कि पहली बार मैं एंकरिंग करने घुस गया था गलती से, और वो मजा आ गया था खुद को ही, और दूसरी बार पहली बार हाथ से कुछ लिखा था, और तीसरी मजे की बात बता कि मेरे साथ यूं हुआ कि मैं पूरे दिन ट्रेवल कर रहा था ऑल द वे अप टू गुबरा, तो काम करते करते आते सिलसिले में लेट भी हो गया था, और झूठ नहीं बोलूंगा जनाब कुछ लिखा भी नहीं था। अभी जब आपको कॉल किया ना तो साहब, तब मैंने कुछ लिखा नहीं था, तो अब तक लिख लिया है बातें करते करते, और ये भी झूठ नहीं बोला कि इंटरनेट नहीं अजीब चल रहा था, कि इंटरनेट इतफाक है कि बिल्कुल नहीं चल रहा था, अभी आज चल भी गया। आज आज मेरा भी फिनिश नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा था कि वो पिछले बार जो सुनाया था वही सुना दूंगा, लेकिन ये प्रोग्राम शुरू होने में थोड़ी देर हो गई तो वो पूरा हो गया, तो अब नई वाली ही सुनाऊंगा। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी बढ़िया बात सर। है, मेरा भी बहुत ऐसे अच्छी। ही कुछ हुआ कि कपिल प्रोग्राम शुरू होने में थोड़ी देर हुई, थोड़ी किस्मत मेरी बुरी कही अच्छी कही, मैं लेट हो गया, तो खाना भी मैंने कुछ 5 बजे ही खाया था, वो खा के फिर जब इंटरनेट फाइनली आया तब तक मैडम साथ में बैठी थी, चाय वाय पीते पीते कुछ ना कुछ उन्हीं को देख के लिख दिया मैंने। तो जी, अब फरमाइए। ये जो है ना कविता में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा पकड़िएगा। अभी पंडित साहब ने जो सुनाया है थोड़ा सा वैसा ही कुछ ट्विस्ट है, लेकिन अभी अपनी मैडम सामने बैठी नहीं है तो उनके सामने बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि जूते पड़ेंगे नहीं तो। बातें करते करते मैंने कविता लिख दी, उसका नाम है मैडम जी। ये फेसबुक लाइव चल रहा है, फेसबुक लाइव हाँ चल हाँ रहा है, वो बिल्कुल चल कहीं रही से थी, भी इसीलिए फिर तो और मैं जूते बोल भी फिर लाइव हो जाएंगे। रहा हूँ। हमने ऐसा कुछ करना ही नहीं है काम के, जूते पड़े जिंदगी के अंदर, ऐसी बातें ही नहीं करनी नहीं, हमने। मैं जूते फेंक दूँ क्या? हमारा ऐसे भगवान कोई बचाए प्रॉब्लम नहीं, हमको ऐसे ऐसी ही बातें जूता करने गिरेगा, से। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जूते का साइन आएगा, जूता नहीं जी आएगा, शुरू करते हैं, बस कविता का भगवान ही नाम है। बचाए हाँ आपको। जी, तो कविता का नाम है मैडम जी। बहुत बढ़िया कह के मैडम जी कमेंट बॉक्स में आई, स्माइली वाली और दिल वाली मोजी भी चिपकाए। बहुत बढ़िया वाह, मैडम कमेंट बॉक्स में आई, स्माइली वाली और दिल वाली मोजी भी चिपकाए। सुंदर सा थंबनेल उन्होंने प्रोफाइल पे था सजाया, हमने भी उस पर क्लिक करके लाइक का वाह, बटन दबाया। मैडम जी बड़ी क्यूट थी, सही में बड़ी अरे क्यूट वाह थी। वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मैडम जी बड़ी क्यूट बहुत थी, अच्छे, क्या बात वाकई है, सुंदर। अगले दिन मैडम जी ने कमेंट में हाय कह के बुलाया, अगले दिन मैडम ने कमेंट में हाय कह के बुलाया, हाय हाय करता दिल उनकी गैलरी में हो आया। अगले दिन मैडम वाह, ने कमेंट में हाय कह के बुलाया, हाय हाय करता दिल ये उनकी गैलरी में हो आया। गैलरी में जाके उनको जब आंखों से सहलाया, क्या बताऊं भैया इसको कितना मजा आया। मैडम जी बड़ी क्यूट थी, सही में बड़ी क्यूट क्या थी। बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत, वाह। फिर अगले दिन इंस्टा स्टोरी में वो स्लो मोशन में आई, फिर अगले दिन इंस्टा स्टोरी में वो स्लो मोशन में आई, मैंने भी शाहरुख के जैसे बाहीं दी फैलाई। लव के बटन को छू के मुझको प्यार बहुत था आया, फिर भी मेरा पागल सा दिल बार बार ललचाया। मैडम जी बड़ी क्यूट थी, सही में बड़ी क्यूट थी। वाह 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 वाह, फिर देखिए जी, आखिरी चंद पे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत कि बढ़िया, ऐड फ्रेंड की ऑप्शन पे जाकर मैंने कर्सर को घुमाया, एड फ्रेंड की ऑप्शन पे जाकर कर्सर को घुमाया, तभी गोद में बैठे गुड्डे ने मुझको सुसु से नहलाया। एड फ्रेंड की ऑप्शन पे जाकर कर्सर को घुमाया, तभी गोद में बैठे गुड्डे ने सुसु से नहलाया, भटका था जो मन मेरा उसको मैं वापस घर ले आया। अजी सुनती हो कह के फिर उसकी मम्मी को बुलाया। मैडम जी बड़ी क्यूट थी, सही बड़ी में क्यूट बड़ी है, क्यूट थी। वाह वाह वाह, चलिए जी, हमारी जिंदगी में हमें मैडम जी के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। फेसबुक क्या बात लाइव होने के साथ साथ में जिंदगी भी हमारी लाइव रहती है, और लाइव जिंदगी के अंदर हमें भूचाल नहीं लाना है, चाहिए बहुत इस ऑनलाइन के जमाने में, और खुश रहना चाहिए। ओवर टू यू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़िया बहुत बढ़िया कपिल जी, बहुत बढ़िया सुनाया बहुत आपने, जबरदस्त। बहुत
बहुत ही अच्छा सुना है कपिल जी, आप इतनी जल्दी में लिखा तो भी इतनी अच्छी आपके पास वो मतलब कि लिखने की जो कला है उसका ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है, और सबको बहुत ही अच्छा लगा कपिल जी आपका ये जो परफॉर्मेंस है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कपिल जी जैसे मैंने कहा था ना कि आप अगर कपिल यहाँ नहीं होते तो फिल्म इंडस्ट्री में होते हैं। कपिल जी, इसमें क्लाइमेक्स में मालूम है, क्लाइमेक्स में मैडम जी आपकी निकलनी चाहिए थी, आप ही की मैडम जी निकलनी चाहिए तो रहो ना, मैडम जी मेरी निकली है क्लाइमेक्स में, मैं बता रहा हूँ ना, अजी सुनती होके कह के मैंने उसकी मम्मी को बुलाया, मम्मी बुलाने के बाद भी लेकिन तो बड़ी क्यूट थी यार, लेकिन वो थी क्या बात है, क्या वो प्रोफाइल में थी लेकिन क्यूट तो थी। क्या बात, वो कहते हैं हमारे इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में ना, कि अगर आपको आपके सारे के सारे व्यंजन जो हैं वो खाने की अनुमति नहीं है, ये सारे क्यूजींस को टेस्ट करने की अनुमति नहीं है, तो उनको सराहने से तो कोई इनकार नहीं करता ना, उनका मेन्यू तो देख सकते हैं आप। जी 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 क्या बात, सुंदर, घर की दाल रोटी चिकन सबसे बढ़िया है सर। चलिए सर, ओवर टू यू। ओके सर, थैंक यू सर मच। अच्छा चलो, अभी वही स्टाइल से जरा एक बहुत ही मतलब उनके लिए मैं क्या बोलूं, मुझे तो कुछ मालूम नहीं होता है, मैं इनके लिए बहुत छोटा हूं कहने के लिए, लेकिन अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बहनों और भाइयों, जो नाम है वो कोई भी प्रकार की तारीफ के मोहताज नहीं है। हम कवियों को भी शायद उसके उसके वर्ड कम हो जाए या तो शब्द कम पड़े, ऐसा है। वो बहुत ही ऊंचाइयों पर इतने शायद अच्छे शायर है कि जो बहुत ही ऊंचाइयों पर विराजमान है, उसकी जुबान में सहज सी मिठाई है, मिठास है, उनके बारे में कुछ भी अगर कहना है तो वो सूरज को आरसी दिखाने जैसा है। वो पीएलजी की नया का खेवनहार है, मुश्किलियों में वो मसीहा है, और हर मुशायरे में वो आन बान और शान है, और सबके दिल में इसका एक खास स्थान है। वो है और कोई नहीं लेकिन हमारे सबके दिल में बसने वाले तुफैल अहमद साहब, जिसको मैं बड़ी इज्जत और अदब से दावत देता हूँ, वो अपनी वो कविता सुनाए, और जो आज पीएलजी का जो कुछ भी आपने जो वो प्रोग्रेस किया, धन्यवाद मैं आपका करता हूँ, और मैं बहुत बहुत कि जो ये सबकी डोर है वो डोर को संभालने वाला जो है तुफैल साहब, तो तुफैल पास पास और कोई वर्ड नहीं है क्योंकि तारीफ, तो ओवर टू यू एंड प्लीज कैरी ऑन तुफैल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद विपिन जी, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन के लिए। मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही हो गया वैसे, इस समय सुनाना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जो बड़े अच्छे अच्छे बल्लेबाज बैटिंग करके चले गए हैं, तो वो कहते हैं ना, सौरभ गांगुली ने ओपनिंग की प्रवीण जी ने, और फिर उसके बाद जो है वो आ गए अपने रोहित शर्मा, विनीत पंडित जी ने जो है जबरदस्त छक्के लगाए, और उसके बाद विराट कोहली के क्लासिक शॉट्स कपिल नैयर जी ने बड़ी अच्छी कविता सुनाई, तो अब बड़ी दुविधा में हूं मैं कि जो है वो किस तरीके से बैटिंग की जाए, जरा मुश्किल काम लग रहा है, फिर भी कोशिश करता हूँ एक बिल्कुल ताजा कविता सुनाने की। तो जी जी, ये कमेंट्री है या कविता है तुसे, तुसे? अभी कविता शुरू होने वाली है। वो कमेंट्री बैटिंग के थोड़े पहले कमेंट्री शुरू हो जाती है। धोनी साहब के हाथ में जो बैटिंग आती है ना, देश सुरक्षित रहता है, ये मैं मान के चलता हूँ सर, आप आ गए धोनी साहब संभालिए। चलिए तो एक बिल्कुल ताजा कविता सुनाता हूँ, अभी अभी लिखी है, इनफैक्ट मुझे डर लग रहा था कि शायद इसमें पूरी ना हो पाए, तो पिछली वाली सुनानी पड़ेगी जो पीएलजी वाले हास कविता में सुनाई थी, लेकिन ये प्रोग्राम थोड़ा सा देर हो गया तो ये कविता भी पूरी हो गई, तो ये फायदा हो गया, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। चलिए मैं सीधे सीधे सुनाता हूँ, कविता का शीर्षक है नेताजी। नेताजी, अचानक दिल में क्या आया कि नेता से गया मिलने, मेरी आई थी शामत के शिकायत मैं लगा करने, जरा सी भूल फिर कर ली खरी खोटी सुनाने की, झलक कर तू तो के उनके जरा सी बस दिखाने की,
ये सुनकर फिर तो नेताजी बहुत ज्यादा भड़क उठे, चढ़ा उनका जो पारा तो लगे चिल्लाने जोरों से, सुना जो ये तो फौरन ही वहां से मैं निकल भागा, मेरे पीछे मगर भागा बड़ी तेजी से फिर नेता। मैं तो दुबला व पतला था, मेरी रफ्तार धीमी थी, मैं तो जनता का बेटा था, मैं तो जनता का बेटा था, हवा कमजोर मेरी थी। हवा कहते हैं ताकत को उर्दू में, कि मैं तो जनता का था बेटा, हवा कमजोर मेरी थी, जरा सी देर में ही बस मैं बिल्कुल थक गया यारो, जरा सी देर में ही बस मैं बिल्कुल थक गया यारो, मगर नेता तो मोटा था, वो थकता कब कहां यारो, मगर नेता तो मोटा था, वो खटता कब कहां यारो, करीब आके वो बोला के सबक तुमको सिखाऊंगा, मुरम्मत करके अच्छे से शहर भर में घुमाओ। मैं नेता से बचू कैसे, कहां जाऊं करूं अब क्या, तभी मुझको थकालिक से टूटा बर्तन नजर आया, तभी मुझको थकालिक से पुता बर्तन नजर आया, लगाई हाथ में कालिक, कहा फिर मैंने नेता से, मैं कालिक पोत दूंगा, मैं कालिक पोत दूंगा जरा भी अगर बढ़े आगे। ये सुनकर वो हंसा थोड़ा, ये सुनकर वो हंसा थोड़ा, हंसी फिर रोक कर बोला, मुझे तो तू जरा भोला, जरा बुद्धू सा है दिखता। ये सुनकर वो हंसा थोड़ा, हंसी फिर रोक कर बोला, मुझे तू तू जरा सा, मुझे तो तू जरा भोला, जरा बुद्धू सा है दिखता, कि चेहरा नेता का तो खुद बड़ा ही काला होता है, कि चेहरा नेता का तो खुद बड़ा ही काला होता है, कि कोयला नेता के आगे जरा फीका ही पड़ता है, कि कोयला नेता के आगे जरा फीका ही पड़ता है, कि नेता कब कभी कालिक से जर्रा भर भी डरता है, कि नेता कब कभी कालिक से जर्रा भर भी डरता है। मैं मुड़के फिर जरा भागा तो देखा एक नाली थी, मैं मुड़के फिर जरा भागा तो देखा एक नाली थी, मैं बोला के पड़ा दूंगा बदन पे गंदा सा पानी, मैं बोला के पड़ा दूंगा बदन पे गंदा सा पानी। ये सुनकर वो हंसा थोड़ा, हंसी फिर रोक कर बोला, ये सुनकर वो हंसा थोड़ा, हंसी फिर रोक कर बोला, मुझे तो तू जरा पागल जरा उल्लू सा है दिखता, मुझे तो तू जरा पागल जरा उल्लू सा है दिखता, कि सुन किरदार नेता का तो नाली से भी है गंदा, कि सुन किरदार नेता का तो नाली से भी है गंदा, कि नेता कब किसी भी गंदगी से कुछ भी डरता है, कि नेता कब किसी भी गंदगी से कुछ भी डरता है, कि नेता गंदगी में ही तो पलता है पनपता है, कि नेता गंदगी में ही तो पलता पनपता है, कि नेता गंदगी में ही पलता है पनपता। वाह 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 वाह, बहुत 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 अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुफिल साहब आपने तो फिर से महफिल की रौनक बढ़ा दिए, बराबर है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। थैंक यू सो मच, आपकी ऊंचाई और के लिए, आपके ये शब्दों की ऊंचाइयों के लिए सलाम है, सलाम साहब, बहुत अच्छा। थैंक यू। अरे पांच रत्न जो मैं बोला था कि हम पंच रत्न है, वो पंच में से चार अपनी फरमाइश पूरी कर दी है, अभी एक पांचवा रत्न बाकी है अगर आपकी इजाजत है तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, स्वर्ण रत्न है ये, स्वर्ण रत्न। अरे मेल पेंडे जा रहा है हार का, अभी तो मेल पेंडेंट। एक्चुअली मेरे पास भी टाइम बहुत कम था, तो जो मैंने एक बार मैं पीएलजी में जो कविता पढ़ चुका हूँ वही मैं फिर से रिपीट करता हूँ। वो कविता को बहुत ही मतलब लोगों ने यू नो था, तो वही जो मेरी पड़ोसन माया, अरे अरे वो तो बहुत बढ़िया है।
जी सुनी, तो मेरी पड़ोसन माया फिर से आपके सामने रखता हूँ। मेरे घर के सामने नई पड़ोसन आई है, मेरे घर के सामने नई पड़ोसन आई है, सारे मोहल्ले में क्या धूम मचाई है, सारे मोहल्ले में क्या धूम मचाई है। गोरा रूप रंग है, चलने का ढंग है, गोरा रूप चलने जब वो सारी कयामत संग है, जब वो निकले रास्ते से सारी कयामत संग है। विनीत भाई आवाज आ रही है, मैं आपके फेस पर वो कुछ अभी कट कट के आई, थोड़ी कट आ रही है। अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा थोड़ी कम आ रही है, ओके। दिल ने कहा थोड़ी कुछ हिम्मत रखनी चाहिए, दिल ने कहा थोड़ी कुछ हिम्मत रखनी चाहिए, कुछ नाता रखना चाहिए, पड़ोसी हो तो थोड़ा कुछ नाता रखना, कैसे करूं बात उनसे वो भी सोचना चाहिए, क्योंकि किसी भी औरत के साथ बात शुरू करनी है तो हमको बहुत सोचना पड़ता है, कैसे करूं बात उनसे वो भी सोचना चाहिए, बात करने का भी कुछ मौका होना चाहिए, बात होने बात तो करने बात का भी कुछ मौका होना चाहिए। प्रयोग नहीं करते तो हम जैसों के लिए दिक्कत होती है, आपके लिए तो अभी बड़ी आसानी है। अरे भाई साहब यूं ही कोई मिल गया। देखो मेरी भी तकदीर होती है ना, सफेद दाढ़ी वाले को भी तकदीर होती है। मौका एक दिन मिल गया या कुछ बातें उनसे हो गई। मौका एक दिन मिल गया या कुछ बातें उनसे हो गई, बिना मौसम धूप में बरसात जैसे हो गई, बिना मौसम धूप में बरसात जैसे हो गई, अब जिंदगी में कुछ नयापन सा आ गया, अब जिंदगी में कुछ नयापन सा आ गया, क्या क्या बदल गया, बालों की सफेदी पर काला रंग छा गया। काला रंग छा गया, देखो ये आदमी में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाता है। अब मुलाकात का ये सिलसिला सा हो गया, अब मुलाकात का हो गया, बालों में भी सपनों में दिन के उजालों में, ये परिस्थिति है वो मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या मेंटली भी चेंज आ जाता है लोगों में। जी जी, खोया रहता था दिल माया के इंतजार में, खोया रहा के तन्हा रहता है कार में, क्या ऐसा तन्हा रहता है कोई किसी के प्यार में। अभी देखो अभी मेरी स्टोरी में कुछ वो ट्विस्ट आ रहा है, पूरी मेरी पटरी से गाड़ी कोई दूसरी पटरी पर चली जाती है। एक अच्छा। दिन अचानक बड़ी सोच सी आ गई, एक दिन अचानक सी आ गई, माया अपने साथ उनके पति को ले आ गई, माया उनके साथ उसके पति को ले आ गई, हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा पति देखकर डर गया, हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा पति देखकर डर गया, समझो मैं तो मौत आने से पया, ऐसे तो पहले ही मैं मर गया। कुछ हिम्मत नहीं चली, फिर हमने सोचा कि भाई गुजराती हूं तो थोड़ा तरफ बरोड़ के समझौता कर लो, क्योंकि किसी से लड़ना झगड़ना वो तो हमारे। तो अभी मैं आगे का जो ये है मतलब उसको आप सुनिए। मैंने कहा माया बहन में ही, मैंने कहा माया बहन मेरी कोई बहन नहीं, भाई बहन के नाते से रिश्ता कोई गहन नहीं, भाई बहन के नाते से रिश्ता कोई गहन नहीं, कल रक्षाबंधन है मुझे जाना,
कल रक्षाबंधन है मुझे राखी बांधने आजा, कजी को साथ में जरूर लाना, साथ करके जीजा जी को साथ में जरूर लाना, साथ करके जीजा जी को साथ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत 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 शुक्रिया आप सबका। आप सबने मुझे बहुत ही ध्यान से सुना है और इतना बहुत साथ दिया, ये मुझे कंपेयरिंग का जो आज मौका दिया गया है उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और ये तुफे करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। यू नो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि जब तुफेल साहब का फोन आया था, मैंने पूछा कि रियली तुफेल साहब मुझे ये करो, क्या बोले कि अपने घर में संचालन नहीं कर सकते है, उसको हम स्टेज पर मौका देते हैं। तो ये बात मुझे अच्छी लगी, क्या बात। तो मैं आज का सभी जो कविगण का जो रजुआत करने का था वो मेरे ख्याल से अभी आज ये सेशन पूरा हो रहा है। आप सबको वो पार्टिसिपेट होने के लिए भी धन्यवाद है और जो ये हमारा साथ में जो ग्रुप जोड़ा हुआ है उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो ये पोएटिक आत्मा है और जो वो ग्लोबल लिटरेचर फेस्टिवल, इसके अंडर में जो वो पोएटिक आत्मा के साथ जो आज हम लोग जुड़े हुए थे और वो पीएलजी के साथ बस ऐसी सब ये मीटिंग बार बार होती रहे का दिल हम बहलाते रहे, ऐसी ये हमारी मनोकामना है। और बहुत बहुत शुक्रिया के साथ मेरे जो समापन करना है वो आप कर सकते हैं, अभी मेरी ओर से काम पूरा हो रहा है। तो फिर साहब प्लीज जी। बहुत अच्छा सेशन रहा ये हास्य कविता का और सबने एक से एक बढ़कर अच्छी से अच्छी कविताएं सुनाई और बहुत मजा आया। और इस लॉकडाउन के पीरियड में जबकि लोग काफी स्ट्रेस्ड हैं और काफ़ी साइकोलॉजिकल दबाव है, प्रेशर है लोगों पे, तो वैसे समय में इस तरह की महफिलें लोगों को के लिए एक राहत बनकर आती हैं। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ पोएटिक आत्मा को कि उन्होंने लॉकडाउन के पीरियड में इस तरह के ग्लोबल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया है जो कि पिछले 2 दिनों से चल रहा है और आज उसका आखिरी दिन है। 3 दिनों तक लगातार चलने वाला ये सेशन बहुत अच्छा रहा। मैं पीएलजी को भी उन्होंने भागीदार बनाया है, इसके लिए हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और ये बहुत अच्छा लगा हमें कि जो ये दो संस्थाएं हैं जो कि दोनों साहित्य के लिए काम कर रही हैं, हम यहाँ कवियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं वो वहाँ भारत में कर रहे हैं। और इस जो लॉकडाउन का पीरियड है उसमें एक बड़ी अच्छी बात ये हुई कि जो ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू हुए तो इससे हम भी अपनी सरहद से बाहर निकले और वो भी अपनी सरहद से बाहर निकले और हम दोनों साथ में जुड़ गए, तो इससे जो ये ज्वाला है ये और तेज हो गई है, अदब की और साहित्य की ज्वाला, और मेरे ख्याल से इससे बहुत फायदा पहुंचे। हम लोग फिर से साथ में मिलते रहेंगे, बिल्कुल अच्छे इसी तरह से हम लोग साथ में काम करते रहेंगे। धन्यवाद। ओवर टू अभिषेक भाई और दीपसन जी। बस